अक्टूबर को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मेलन का होगा आयोजन। समस्याओं पर होगी चर्चा। पूरे प्रदेश के सभी टेंट व्यापारी होंगे शामिल। गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जनपद में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का नगर निगम के बनाए गए तालाब में किया गया विसर्जन। पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का दिखा पुख्ता इंतजाम। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गणेश प्रतिमा के विसर्जन स्थल का गुरुवार की रात्रि में किया निरीक्षण। कहा, सभी त्यौहार सकुशल होंगे संपन्न। चप्पे चप्पे पर पुलिस की लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर को साफ और सुंदर बनाने के लिए मंडल आयुक्त अनिल ढिगरा ने जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, स्कूल के फाइन आर्ट के बच्चे जनपद के दीवारों पर बनाएंगे पेंटिंग। नवरात्रि में गोरखपुर दिखेगा सबसे अलग। मंडल आयुक्त अनिल ढिगरा ने रामगढ़ताल के किनारे बने क्रूज का किया औचक निरीक्षण। कहा, प्रयास है कि अगले महीने तक क्रूज को रामगढ़ताल में जाएगा उतारा। नागरिक ले सकेंगे क्रूज का आनंद। बड़ागंज थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहिद को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। शानदार गुड वर्क पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का दिया इनाम। गैंग बनाकर लूट व चोरी का अपराध कारित करने वाले 5 अपराधियों के विरुद्ध शाहपुर थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में कार्यक्रम स्थलों का किया गया निरीक्षण। संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी चौरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी पैरा मेडिकल कॉलेज के मामले में कार्यवाही का एसएसपी ने किया खुलासा। आरोपी पंकज पोरवाल ने 3 बैंक खातों को किया सीज। करीब 15 लाख रुपए की रकम को भी किया गया फ्रीज। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी का सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर में पहली बार टेंट एसोसिएशन व गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 1 अक्टूबर को दिन में 11 बजे हर्ष वाटिका निकट चिड़ियाघर बुद्ध विहार पार्ट सी गोरखपुर में आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विधायक विपिन सिंह होंगे, जिसमें प्रदेश के हर जिले में टेंट व मैरिज हाउस एसोसिएशन के व्यापारी शामिल होंगे, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा होगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद संजय श्रीवास्तव, विजय खेमका, अजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने कहा, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के टेंट और मैरिज हाउस एसोसिएशन की एक मीटिंग 1 अक्टूबर को दिन में 12 बजे हर्ष वाटिका बुद्ध विहार पार्टसी में करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। इस ये मीटिंग गोरखपुर में पहली बार हो रही है और नोएडा से लेके देवरिया तक करीब 250 लोग अभी तक कन्फर्मेशन दे चुके हैं, जो कि लोग यहाँ आ रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो एक तो नए लोगों से जो मुलाकात हो और हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पर हम एक दूसरे से वार्ता करें और उस समस्याओं का निवारण किया जाए कि कैसे उस समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, इसी संदर्भ में ये मीटिंग होती है। शपथ ग्रहण भी है? नहीं, शपथ ग्रहण नाम है एस ए रहमान। मैं मैरिज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल यूपी का वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज,
अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का नगर निगम के द्वारा बनाए गए तालाब में विसर्जन किया गया, जिसके संबंध में CEO कोतवाली ने बताया कि गणेश प्रतिमा के जुलूस के मार्ग पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा PSC की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा हर मूर्ति के साथ में नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है। उन्होंने बताया कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिमा का लोग नाचते गाते जाकर विसर्जन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक सम्पन्न हो रहा है। गोरखपुरनी से बात करते हुए CEO कोतवाली अनुराग कुमार सिंह, नागरिक विनय प्रकाश पांडे, रानी सहानी, गोपाल निषाद ने कहा। सभी चौराहों पे ड्यूटी लगाई गई है। PSC का सेक्शन भी हमें मिला है, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। हर जुलूस के साथ में नोडल अधिकारी लगे हुए हैं, जो जुलूस के साथ में निकल रहे हैं, प्रतिमाओं के साथ में निकल रहे हैं और हम लोग टाइमली इनको निकाल रहे हैं। सभी प्रतिमाएं लगभग उठ चुकी हैं और अभी टाइम से इनका विसर्जन हो जाएगा। हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी खुशी से मना रहे हैं। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गणेश प्रतिमा के विसर्जन स्थल का गुरुवार को रात्रि में निरीक्षण किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जनपद में गणेश चतुर्थी पर जो भगवान गणेश की प्रतिमा रखी गई थी, उसका नगर निगम के द्वारा राम घाट पर बनाए गए तालाब में विसर्जन किया जा रहा है, जिसके लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए नदी में न प्रवाहित करके पोखरे में करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मूर्ति के आने वाले मार्ग पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि नदी में NDRF की टीम को भी लगाया गया है। इस अवसर पर गीडा थाना प्रभारी रत्न पांडे, नौसड़ चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में गणेश चतुर्थी के बाद में जो मूर्तियां रखी गई थी, उनका विसर्जन आज किया जा रहा है। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश जो हैं, उसमें और NGT की जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से नदी में ना प्रवाहित करके पोखरा बनाया गया नगर निगम द्वारा। उसको यहाँ से एकदम प्रॉपर पुलिस की फोर्स की सिक्योरिटी और प्रॉपर तरीके से उनको यहाँ तक लाया जाता है और यहाँ पे उनको विसर्जित किया जा रहा है। यहाँ पे पर्याप्त फोर्स मौजूद है और अभी तक कई सारी मूर्तियाँ ऑलरेडी विसर्जित की जा चुकी हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी
और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में बारावफात का भी जो त्यौहार है वो भी देर रात्रि में उनके भी जुलूस निकलेंगे। जनपद गोरखपुर में समुचित पुलिस व्यवस्था और प्रशासन के सहयोग से ये सब आने वाले जितने भी त्यौहार हैं ये अच्छे से संपन्न किए जाएंगे। थैंक यू जी। हाँ, यहाँ पे NDRF की टीमें भी हैं और उसके अलावा बाकी लोगों का सहयोग है और बाकी जनपद की पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद। मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने जनपद को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने बताया कि नवरात्रि से पहले गोरखपुर जिले को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें कई कॉलेज के फाइन आर्ट के बच्चों द्वारा गोरखपुर की सड़कों के किनारे दीवारों पर प्रशासनिक अधिकारी पेंटिंग करवाकर प्रतियोगिता करने की तैयारी में जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा शहर को कला व पेंटिंग के माध्यम से सुंदर बनाया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अली हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने कहा तो इसमें यह है कि बेसिकली जो हमारे प्रपोजल चल रहे हैं उनको जल्दी से एक्सपीराइड किया जाए और सम्मतापूर्वक कार्यों को सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता में जो हम काम लेके आए हैं उनका लाभ जनता को मिलता है और जो शासन की प्राथमिकता है वो जो है धरातल पर हम लोग पूरा तैयार। सर, स्वच्छता को लेकर के और वॉल पेंटिंग को लेकर के भी योजना आप लोगों द्वारा बनाई जा रही ताकि नवरात्रि में आने वाले लोग गोरखपुर जो पर्यटन आए उन्हें सुंदर और स्वच्छ गोरखपुर दिखे। देखिए, इसमें बेसिकली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा शहर जो है और ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि जो हमारे जो फाइन आर्ट के बच्चे होते हैं उनमें एक कॉम्पिटिशन और प्रतियोगिता करा के हम लोग अपनी जो प्रतिभा है, जो बच्चे अच्छा ड्राइंग जानते हैं, स्केचिंग जानते हैं, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसके संबंध में हम लोगों ने जो है मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी है और एक अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोगों को जो टीचर बुलाया गया था ताकि उन लोगों का भी हम लोग सहयोग ले सकें। तो इसमें एक कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों में जो है हम इसमें एक अच्छी प्रगति नगर निगम और GDA के माध्यम से। मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने रामगढ़ताल के किनारे बने क्रूज का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रामगढ़ताल में क्रूज चलाया जाए, जिसको देखने आए थे। उन्होंने बताया कि क्रूज का कार्य पूरा हो चुका है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले अगले महीने में जनता के लिए क्रूज को रामगढ़ताल में उतार दिया जाए, जिससे कि आम पब्लिक इसका लाभ ले पाए। इस अवसर पर GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल ढेगरा ने कहा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा निर्देश दिया है उसी क्रम में हम लोग जो है क्रूज का निरीक्षण करने आए थे और इसको जो हमारा आने वाला महीना है इसमें हम लोग जो है कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको जो है हम लोग जनता के लिए जो है इसको अपना जो है रामगढ़ ताल में उतार सकेंगे और जो भी इसकी सुविधाएँ हैं उसमें जो है सभी लोगों को इससे फायदा होगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। बड़लगंज थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मोहम्मद शाहिद द्वारा बेटे के ससुराल पक्ष के लोगों से नाराजगी के कारण रिश्तेदारों को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। महिला डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने के लिए चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें रिश्तेदारों का नाम लिखा गया था। उन्होंने बताया कि बड़लगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शानदार गुड वर्क करने पर पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। खुलासा के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक CO कैंट मानुष पारिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, 26/9/2023 को थाना बड़लगंज में एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एक महिला चिकित्सक को
रजिस्ट्री के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और नहीं मिलने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। महिला चिकित्सक को इस तरह का पत्र प्राप्त होने की सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई तो इसकी इस पूरी घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हुए स्थानीय थाने के साथ साथ SOG स्वॉट और सर्विलांस की टीम को भी इसमें लगाया गया। अन्य थानों पर भी टीमों को लगाते हुए SP साउथ साहब के निर्देशन में इस पूरे ऑपरेशन को लगातार पिछले 48 घंटों से चलाया जा रहा था। ये रजिस्ट्री बेसिकली गोला के एक पोस्ट ऑफिस से की गई थी। वहाँ पर जाकर के जब जानकारी हुई तो जिस महिला कर्मी द्वारा ये रजिस्ट्री की गई थी उसके द्वारा रजिस्ट्री करने वाले का हुलिया बताया गया, जिसके आधार पर बाहर सड़क पर लगे हुए CCTV कैमरा से माध्यम से उसकी पहचान हुई, जिसका नाम केशरी पुत्र स्वर्गीय रामदास निवासी गोला था। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक 50-55 साल का व्यक्ति उसको बाजार में मिला था, उसको कुछ पैसे का लालच देके रजिस्ट्री करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके कहने पर उसने रजिस्ट्री की थी। इसके निशादेही पर उस व्यक्ति की पहचान हेतु इसका हुलिया वगैरह जाना गया और फिर CCTV कैमरास के माध्यम से उस समय पर उस एरिया में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति आए हैं उनको चिन्हित किया गया। इसी में एक व्यक्ति अपने एक्टिवा के ऊपर, जिसका कि नंबर UP 54X 54 54 था, उसको आइडेंटिफाई किया गया। जब इसकी तलाश की गई तो ये मऊ का रहने वाला मोहम्मद शाहिद अख्तर निकला। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा पूरी घटना को कबूला गया और इसके पीछे मंशा ये बताई गई कि इसकी बेटे की शादी पहले 2014 में हुई थी जो कि किसी कारण से टूट गई थी। इसके द्वारा पुनः अपने बेटे की शादी एक शबनम नाम की लड़की के साथ की गई थी, परंतु पिछले 1.5 महीने से इसकी जो बहू है वो ससुराल में ना रह करके मायके में रह रही थी और उसके दो रिश्तेदार खुर्शीद व नदीम, इसको शक था कि ये दोनों रिश्तेदार इसके बेटे की ये वाली शादी में विघ्न डाल रहे हैं, इस शादी को निभने नहीं दे रहे हैं, उसकी बहू को बरगलाते हैं और उसको ये शादी को कंटिन्यू नहीं करने देना चाह रहे हैं। उन्हीं को फंसाने के लिए इसके द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। इसके द्वारा ही वो धमकी भरा पत्र बनाया गया जिसमें नीचे इन्हीं खुर्शीद और नदीम का नाम लिखा गया। क्योंकि इन महिला डॉक्टर के प्रचार प्रसार हेतु पूरे साउथ क्षेत्र में काफ़ी पोस्टर्स संबंधित हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए थे, जो कि गोला में भी इस तरह के पोस्टर्स महिला डॉक्टर के नाम से लगे हुए थे, वहीं से इसके द्वारा वो जो नाम है उनका उसमें लिखा गया। और दूसरी चीज़, ये रजिस्ट्री उन महिला डॉक्टर के घर पे ना भेज करके हॉस्पिटल में भेजी गई, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि इसके द्वारा उनका नाम इसी तरह से चूज किया गया। इस पूरी घटना का सफल अनावरण बड़ी ही अल्प अवधि में टीमों के द्वारा किया गया है, जिनको कि 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और एविडेंसेस के आधार पर इसके ऊपर जो चार्जशीट जो है लगाई जाएगी। अच्छा, इस घटना में कितने लोग शामिल थे? इस घटना में ये अकेला ही व्यक्ति शामिल था, इसी के द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया और CCTV कैमरास के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से जो जो चीज़ें, जो जो बयान और तथ्य संज्ञान में आए वो CCTV और सर्विलांस के माध्यम से प्रमाणित हुए हैं, जिसमें इसके द्वारा ही इस घटना का पूरा कबूल भी इसके द्वारा किया गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर लूट व चोरी करने वाले 5 अपराधियों के विरुद्ध शाहपुर थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गैंग बनाकर लूट व चोरी करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर राम बचन उर्फ नाटे व 4 सह अभियुक्तों उग्रसेन चौहान, मल्लू उर्फ विदुर, झिनक और मोनू निषाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसके भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना शाहपुर द्वारा जनपद के शाहपुर एवं पिपराई गुलरिया थाना क्षेत्रों में पिछले साल लगातार लूट कर कार्य करने वाली गैंग, जिसके कुछ 5 सदस्य रामबचन और नाटे, उग्रसेन, मन्नू, मोनू और झीनक, इन 5 के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन लोगों के ऊपर 5-5, 6-6 लूट के मुकदमे हैं। इन सब में रात्रि के समय 9-10 बजे के आसपास अकेली घूम रही महिलाओं के पर्स छीनना, चैन छीनना, इस तरह के अपराध कारित किए गए थे। इन्हीं अपराधों का बेस बनाते हुए गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनकी जरायम की दुनिया से जो कुछ भी कमाया गया है
उस सबको भी गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत जब्त किया। 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम कैंपियरगंज अमित जायसवाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए सुगम रास्ते और विशेषकर साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। चौरी चौरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज के मामले में कार्रवाई का खुलासा करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आरोपी पंकज पोरवाल द्वारा अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन बोर्ड के नाम से बगैर मान्यता के यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत 40 जनपदों में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चल रहा था। उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए लेकर पैरामेडिकल कॉलेज की फ्रेंचाइजी दी जाती थी, साथ ही फ्रेंचाइजी द्वारा प्रत्येक छात्र से 2.5 लाख रुपए भी वसूला जाता था। SP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आरोपी पंकज पोरवाल के 3 बैंक खाता को सीज किया गया है। करीब 15 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज किया गया है। आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य निकल कर सामने आएंगे उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खुलासे के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक मानुष पारिक भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, विगत दिनों में थाना चौरी चौरा से संबंधित एक पैरा मेडिकल कॉलेज, जो की एक फर्जी रूप से संचालित किया जा रहा था, उसको जो फ्रेंचाइजी आगरा के एक व्यक्ति द्वारा दी गई थी, एक सोसाइटी NGO के रूप में चलाते हुए उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। क्योंकि ये घटनाक्रम गोरखपुर जनपद के अलावा और भी कई जनपदों में ऐसे कॉलेज चल रहे थे, तो इसमें एक विशेष जांच टीम बनाई गई थी, जिसको कि हमारे जो वर्तमान CEO कैंट हैं, ASP साहब द्वारा इसका प्रवेक्षण किया जा रहा था। इस टीम द्वारा आगरा में जा कर के सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें इस संस्था, जिसका कि नाम अब्दुल कलाम एजुकेशन सोसाइटी है, इस संस्था के जो ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहां से काफ़ी ऐसा डेटा मिला है, कंप्यूटर्स का डेटा मिला है। इसके अतिरिक्त ऐसे 109 कॉलेजेस की जानकारी मिली है, जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस संस्था द्वारा फर्जी फ्रेंचाइजी देकर के चलाए जा रहे थे। इसके इस संस्था के और इन अभियुक्तों के कई अकाउंट्स मिले हैं, जिनको कि फ्रीज कराया गया, जिनमें कि तकरीबन 15 लाख रुपए की धनराशि है, उनको फ्रीज कराया गया है। इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ की भी जानकारी हुई है, जो कि काफ़ी कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में भी जो है सूचनाएं जो है जुटाई जा रही हैं। इस पूरे क्रम में, इस घटनाक्रम में और इस विवेचना में जो भी तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट शासन को और DG मुख्यालय को भी भेजी जा रही है। इसके साथ साथ जहां जहां पर ये कॉलेजेस चल रहे हैं, जिन जिन जनपदों में ये कॉलेजेस चल रहे हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों को भी अग्रिम कार्रवाई हेतु यहाँ से भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। सर, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारी पुलिस के जांच में हुई है, या फिर कितने अपराधी, कितने? देखिए, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है पंकज पोरवाल, उसकी गिरफ्तारी विगत दिनों में हुई थी, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रीफ कर दिया था। इसके और पारिवारिक मेंबर जो हैं और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके लिए भी टीम वहाँ पे गई थी, लेकिन वो अभी तक फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और भी लोग जो भी इसकी जद में आएंगे और जिनका भी इसमें दोष परिलक्षित होगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने लोग अभियुक्त बनाए हैं? अभी इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, बाकी लोगों की तलाश जारी है,
उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।